हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है आर्म पिट्स को आप किस तरीके से लाइटन कर सकते हैं, एल्बोज को और नीज को किस तरीके से आप लाइट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ही सेफ और घर की ही सिंपल चीज़ों से। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए देखते हैं इन्ग्रीडियंट्स क्या होंगे। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ हनी। 1-1.5 टेबलस्पून आप हनी ले लेंगे। 1 टेबलस्पून आप टर्मरिक पाउडर ले लेंगे, कोई भी टर्मरिक पाउडर चल सकता है। 1 टेबलस्पून आप बेकिंग सोडा ले लेंगे, मेक श्योर बेकिंग सोडा ना ही बेकिंग पाउडर, जिसे हम हिंदी में मीठा सोडा भी बोलते हैं। और लेमन जूस, ये तकरीबन हाफ लेमन का रस निकाल के मैंने रखा है। एंड ब्रश मिक्सिंग एंड एप्लीकेशन के लिए। तो अब हम इस हनी में सारे अपने इंग्रेडिएंट मिक्स कर लेंगे एंड उसे अच्छे से पेस्ट में बना लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ टर्मरिक। नाउ बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे हम बोलते हैं। लेमन जूस थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये इस तरीके का पेस्ट रेडी हो जाएगा। अब आप इस पेस्ट को अपने आर्मपिट्स में अप्लाई करें। आप इस तरीके से इसे अप्लाई करके एटलीस्ट 10 मिनट्स तक रिलैक्स कर सकते हैं एंड इसे 10 मिनट्स बाद आप किसी भी गीले कपड़े से इसे वाइप कर दें। अब मैं ये वेट वाइप से अभी हटा रही हूँ। आप चाहें तो सीधा वॉशरूम में जाकर ल्यूकवॉर्म वाटर से भी इसे वॉश कर सकते हैं। मेक श्योर इस पेस्ट को आप सिर्फ अपने आर्मपिट्स पे, अपने एल्बोज पर, अपने नीज पर ही अप्लाई करें। अपने फेस पर बिल्कुल अप्लाई ना करें, कॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड आपको ये हार्म कर सकता है। आप देख सकते हैं ये कितना क्लीन एंड वाइट हो गया है। आप इसके बाद आप एलोवेरा जेल लगा के इसे छोड़ सकते हैं। हल्का सा इचिंग फील होगा, दैट इज टोटली नॉर्मल। आप इसे एल्बोज पर और नीज पर अप्लाई करें। मेक श्योर अपने फेस पर आप कभी भी अप्लाई ना करें, कॉज ये आपके फेस को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है, हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि बेकिंग सोडा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है आपके फेस की स्किन के अकॉर्डिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।